नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राधिका पाटिल। चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रं विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवं, चिंता दहति जीवनम्। चिंता और चिता, इन दो शब्दों में मात्र केवल एक बिंदु का ही अंतर है। चिता जो निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जो तो जीवन को ही जला देती है। ये है हमारी चिंताओं का सर्कल, जिन पर हमारा कोई वश नहीं। जैसे महंगाई, शेयर मार्केट का गिरना, धंधा मंदा चलना, परीक्षाएं या कोरोना का प्रकोप। और ये रहा हमारे योग का सर्कल, जो हमारे वश में है। जैसे कि प्राणायाम करना, योगासन, नाम जप, शास्त्र और उत्तम साहित्य का अध्ययन करना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य। यानी उत्तम सात्विक आहार, सात्विक मनोरंजन और 6 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद। ये चिंताएं तो हमारी कार्य क्षमता और रोग प्रतिकार शक्ति को घटाती है, और योग हमें चिंताओं से लड़ने की शक्ति देता है। योग कर्मसु कौशलम। योग केवल आसन प्राणायाम ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्ण दिनचर्या में कार्य किस तरह किया जाए उसकी कुशलता को योग कहते हैं। तो आइए इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए प्राणायाम की सरल विधि का अभ्यास करें। आज हम कपालभाति और अनुलोम विलोम की सरल विधि का अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक शुद्धि की क्रिया है, जिसे हम प्राणायाम के पूर्व में करते हैं। कपालभाति के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हमें खाली पेट होना जरूरी है। हृदय विकार के लोग, उच्च रक्तदाब के लोग या अस्थमा के लोगों ने कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, अथवा बहुत धीमे धीमे से करना है। कपालभाति प्राणायाम हम किसी भी आसन में कर सकते हैं, जैसे कि वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, या फिर आप चेयर में भी बैठ के इसे कर सकते हैं। याद रखिए, पीठ सीधी होनी चाहिए और शरीर पर या चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। यह एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्रक्रिया है, जिसमें हमें एक्टिवली या जोर से पेट को अंदर लेते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार जोर से सांस को बाहर छोड़ना है और पैसिवली सांस को अंदर लेना है। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित रखना है। इस प्रकार 20 से 30 सांस लेने को हम एक राउंड पूरा हुआ ऐसा कहेंगे। प्रत्येक राउंड के बाद कुछ देर तक हमें नॉर्मल गहरी सांसें लेनी है। और दूसरा राउंड शुरू करना है। ऐसे 2-3 राउंड्स करने हैं। कपालभाति के पश्चात अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। यह प्राणायाम हम किसी भी आसन में पीठ को सीधी रखते हुए कर सकते हैं। इस आसन के लिए हमें बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में और दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में रखना है। अब दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीमे धीमे गहरी सांस अंदर लेते हुए पेट को फुलाएं, तत्पश्चात सीने को फुलाएं और सांस को सहजता से अंदर रोक कर रखें। शरीर में कहीं भी या चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो और बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से धीमे धीमे सांस को बाहर छोड़ें। अब जिस नासिका से हमने सांस बाहर छोड़ी है, उसी नासिका से 4 की गिनती तक सांस को अंदर ले लीजिए और 16 की गिनती तक पहले पेट फुलाएं, फिर सीने को फुलाएं और सांस को सहजता से अंदर रोक कर रखें। अब दूसरी नासिका से सांस को 8 की गिनती तक बाहर छोड़ दीजिए। जिस नासिका से सांस को बाहर छोड़ा है, उसी से सांस अंदर भरकर
हम यह साइकिल पूरी कर सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार आप यह प्राणायाम जितनी बार चाहे कर सकते हैं। और इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके शांति का अनुभव कर सकते हैं।